महाराज, इतिहास साक्षी है कि घर का भेदी ही सोने की लंका ढाता है और विजयनगर का सोना भी चुराने का दुस्साहस एक भेदी नहीं किया है। सूर्यराव एक ऐसा भेदी जो सोना ले जाने वाले दल का सुरक्षा अधिकारी था, रक्षक ही मना भक्षक। महाराज मैंने कहा था कि हर चोर अपनी दाढ़ी में तिनका लिए घूमता है और सूर्यराव ने मेरी बात को लगभग झुटला दिया था। इनका षड्यंत्र ही कुछ ऐसा था कि इन्होंने चोरी तो सफलता से कर ही ली और जांच को भी ऐसी राह में भटका दिया जहां से कोई हल ही नहीं निकल सकता। महाराज सोना ना लोहार प्रसन्ना, ना गोपन्ना की धर्मशाला और ना ही उस काली घाटी में और ना ही इस यात्रा पर चोरी हुआ था। सोना तो यात्रा आरंभ होने के पहले ही चोरी हो गया था। महाराज कोतवाल जी ने सूर्यराव के हाथों बग्घी में सोना रखवाया और उससे ताले से बंद कर स्वयं बाहर चले गए। हम चलते हैं और पूरे मार्ग में चौकन्ना रहते हुए सुरक्षित आइएगा। जी कोतवाल। तब सूर्यराव के पास कुछ पल थे और महाराज इन्होंने पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी थी। इन्होंने बग्घी के निचली सतह के सारे पेच रात को ही खोल दिए थे। अब उन चंद पलों में इन्हें आधार तक निकाल कर सोना निकालना था और वो सोना छुपा कर आधार तक फिर से लगा देना था। महाराज अब इनकी चालाकी एक स्तर और ऊपर चली गई। इन्होंने पहिए का एक पेच ढीला कर दिया और बग्घी वाले हरिलाल और सैनिकों के साथ यात्रा पर निकल गए। प्रसन्ना के यहाँ पहुंचते पहुंचते वो पेच पूरी तरह से निकल गया था जिसके कारण पहिए का मरम्मत करवाना पड़ा। महाराज सूर्यराव को पहले से ही ज्ञात था कि प्रसन्ना के यहाँ एक पुराना ढका हुआ सुरंग है जो जांच पड़ताल के दौरान अवश्य सामने आएगा और प्रसन्ना फंस जाएगा। इतना ही नहीं महाराज, ये गोपन्ना के धर्मशाला में भी भोजन करने हेतु इसलिए रुके थे क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि गोपन्ना के सर पे उधार है और उसकी धर्मशाला गिरवी है और वहां बड़ी चालाकी से इन्होंने राजकीय सोने की सूची छुपा दी। और महाराज इस प्रकार इन्होंने जांच को भटकाने की दूसरी चाल भी पूरी निपुणता से चल दी और उसके बाद बग्घी वाले हरिलाल के पास जाकर बैठ गए। चलती हुई बग्घी में ही बग्घी के नीचे जाकर सारे पेच लगा दिए इन्होंने। ऐसा कर पाए क्योंकि सारे सैनिक तो आगे देखकर चल रहे थे और हरिलाल को तो धन देकर इन्होंने अपने साथ मिला ही लिया था। और महाराज फिर उसके बाद चलती हुई बग्घी में फिर से आके बैठ गए। अब इन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी महाराज क्योंकि सब कुछ इनकी योजना अनुसार हो चुका था। और फिर विजयनगर आकर इन्होंने चला अपनी चतुराई का ब्रह्मास्त्र आपके कक्ष में सोने के कुछ भाग रखवाकर। इनका अनुमान ये था कि जब स्वयं महाराज ही संदेह के घेरे में आ जाएंगे तो इस घटना को ऐसे दबा दिया जाएगा जैसे ये घटना कभी हुई ना। और महाराज क्योंकि ये मूल रूप से लोहार हैं, तो इन्होंने अपने घर के सारे सामान को सोने में डाल दिया। परंतु इनसे एक भूल हो गई, या तो इन्हें हरा या पीला रंग मिला ही नहीं और या फिर समाप्त हो गया होगा, इसलिए इन्होंने सोने के ढाल कर बनाए हुए आम को नीला रंग चढ़ा दिया और इसी कारण सूर्यराव जी रंगे हाथों पकड़े गए। महाराज अद्भुत बीरबल महोदय, अद्भुत। सिपाहियों ले जाओ इन्हें। बहुत खूब बीरबल महोदय। महाराज हमारे राज्य में एक चोरी होती है जो अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है और चोर मनुष्य नहीं काली घाटी के भूत को माना जाता है। और चोर ने चोरी करने के बाद स्वयं आपको हमारे महाराज को फंसा दिया था और महाराज आपने स्वयं को
राज्य के कानून के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बात कह देती। और तनिक सोचिए महाराज, यदि आपने चोर ना पकड़े जाने के कारण आत्मसमर्पण कर दिया होता तो निश्चित ही वो दिन विजयनगर के इतिहास का सबसे काला दिन होता। विजयनगर के इतिहास को कलंकित होने से बचाया है बीरबल ने, और सिर्फ बीरबल ने। और महाराज, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संन्यास को बीच में छोड़कर बीरबल जैसे अनमोल हीरे को राज्य की सेवा में लाना सफल हो गया। महाराज, अब हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उस प्रतिस्पर्धा की ओर, जो अपने सातवें और अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई थी। महाराज, उस सातवीं पहेली को हल किया है बीरबल ने, और उस सातवीं पहेली को हल करते ही बीरबल इस प्रतियोगिता के विजेता बन गए हैं। तो प्रतियोगिता के विजेता बनते ही महाराज बीरबल अष्ट दिग्गज बनने के प्रथम और प्रबल दावेदार हो गए। तो महाराज, समस्त विजयनगर की प्रजा अपने महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। सत्य है महाराज, गुरुवर का कथन सत्य है। बीरबल जीत गया है और मैं हार चुका हूं। पर इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना। दरबार में उपस्थित सभी महानुभवों, आदरणीय गुरुवर और समस्त दरबारी, वैसे पंडित रामकृष्ण और बीरबल महोदय के मध्य कोई स्पष्ट विजेता नहीं है। निर्णय फिर भी लेना होगा, लेकिन कभी कभी कोई निर्णय ना लेना सबसे उचित निर्णय साबित होता है। अतः हम ये निर्णय लेते हैं कि इस समय कोई भी अष्टदिग्गज नियुक्त नहीं होगा। इस विषय में हम विचार करेंगे और थोड़े समय पश्चात ये तय करेंगे कि अष्ट दिग्गज कौन बनेगा। और पंडित रामकृष्ण अभी भी विशेष सलाहकार के पद पर बने रहेंगे और बीरबल महोदय को भी दरबार में एक सम्मानित स्थान दिया जाएगा। और आज इन दोनों की प्रशंसा करना आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के पश्चात भी दोनों ने मैत्री भाव का अद्भुत परिचय दिया। और यदि बीरबल महोदय और पंडित रामकृष्ण हमारे दरबार में रहेंगे तो विजयनगर राज्य के दरबार की गरिमा और बढ़ जाएगी। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरी मनस्थिति का असमंजस थोड़ा बढ़ गया है। एक तो मैंने हृदय से बीरबल को विजेता मान लिया है, दूसरा यदि अष्ट दिग्गज ना सही तो मुख्य सलाहकार का पद ही वो पद है जिसका बीरबल अधिकारी है, और दरबार में दो मुख्य सलाहकारों का होना एक म्यान में दो तलवारों के होने के समान है, जो संभव नहीं महाराज। इसलिए अपनी आगे आने वाली जीवन के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, वो ये कि मैं दरबार और विजयनगर को छोड़कर वापस तेनाली जाना चाहता हूं। हाँ?
पंडित राम कृष्णा, हम विजयनगर राज्य के सम्राट और आपके मित्र होने के नाते आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना निर्णय बदल दें। क्षमा करें महाराज, मैं अपनी मानसिक स्थिति के सामने विवश हूँ। और हमारी विवशता यह है पंडित रामकृष्ण, कि हम उन्हें कैसे जानें जिन्होंने हमारी, हमारे राज्य की इतनी सेवा की हो। महाराज, मैं केवल शारीरिक रूप से यहाँ हूँ, मानसिक रूप से मैं तेनाली पहुंच चुका हूँ। यदि आग्रह नहीं मानेंगे पंडित रामकृष्ण तो हमें आदेश देना होगा। क्षमा करें महाराज, आज ही मुझसे नहीं होगा। हमें पीठ दिखाकर जा पाएंगे रामा? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं, यदि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करेंगे तो संभवतः आप अपना निर्णय बदल देंगे। ने विचार कर लिया है महाराज, और वो अटल है। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? वो नहीं बदलेगा। हे भोले ना। आज जो आपने हमारी पुकार सुनी है उसके बाद प्रसन्नता के मारे हमें और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लंबी प्रतीक्षा के उपरांत हमारा साक्षात शत्रु सदैव के लिए विजयनगर से भी अधिक दूर तेनाली गांव जा रहा है। उसके लिए भोलेनाथ कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। हमारी खुशी की ना तो कोई सीमा है, ना हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना। ठीक वैसे ही जैसे पहली वर्षा में बाघ नहाकर पानी पानी हो जाता है और पतझड़ के बाद बहार ऋतु का आगमन होता है, उससे भी अधिक हमारी प्रसन्नता है। इस बार बीरबल से पराजित होकर पंडित रामकृष्ण ने अपमान का वो घूंट पिया है कि अब उसके लिए विजयनगर में रहना असंभव हो जाएगा। मैं आया किस लिए था और ये क्या हो गया? मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और हम तो अपनी ब्रह्म दृष्टि से देख रहे हैं, अब तो उसने अपना बोरिया बिस्तर भी बांध लिया होगा। देखिए, यदि चिताया तो इनके यहाँ से जाने के विचार हवा में उड़ जाएंगे, और यदि बताया तो दो पहर में इनका सामान बांधते बांधते इनकी हवा उड़ जाएगी। तो मुझे इतनी भूख लग रही है और मैं भूखे शेर की भांति इस तरह सामान बांध रहा हूँ, इसका अर्थ एक ही है कि हम जाएंगे ही जाएंगे। लामा आजा, गुल के साथ गरम गरम मूंगफली खा ले, मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मैं खाने को तब तक नहीं देखूंगा जब तक घर में मुझे एक भी बिन बांधा सामान दिखेगा। तुम लोगों को मेरा साथ नहीं देना है, मत दो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तू मत जा, ये भारी पेटी इसके सामान बांधने के उत्साह को बांध कर रख देगी, फिर ये शांति से बैठ जाएगा। अम्मा देखो ना, इन्हें काम करने की आदत नहीं है, आपकी तरह आदेश देने की है। आप देखिए ना, सर्दी में भी पसीना छूट रहा है।
पसीना छूटना आरंभ हो गया ना तो इसके सर से जाने का भूत भी शीघ्र छूट जाएगा। तुम्हारे बर्ताव से मेरा संकल्प कमजोर नहीं होगा। अम्मा, हमें इस बार ये कुछ अधिक ही गंभीर लग रहे हैं। अरे, हमें इसकी दिखावटी गंभीरता को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जब तक ये माँ की मूर्ति को बांध नहीं लेता। मुझे यहाँ रोककर स्वयं यहाँ से जा रहे हो रामा? पुत्र, ऐसे कैसे सब कुछ छोड़कर जा सकते हो? अम्मा, रामा मंदिर वाले कक्ष में है। तो क्या माँ की मूर्ति को भी बांध देंगे? नहीं, माँ से हमारी शिकायत कर रहा होगा। जब थक जाता है तो ऐसे ही बात करता है। माँ, मैंने हर बार तुम्हारे आदेशों, तुम्हारे संकेतों का पालन किया है। इस बार तुम मेरा साथ दो, मुझे बस यहाँ से जाने का आशीर्वाद दे दो माँ। ठीक है, जो तुम करना चाहते हो वो करो, मैं देखती हूँ मुझे वो फलित करना है या नहीं। तो देखना, सब ग्रंथ और पुस्तकें बांध लेगा परंतु माँ की मूर्ति को हाथ तक नहीं लगाएगा। नहीं अम्मा, विजयनगर छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ की सारी यादें अपने साथ लिए जा रहे हैं। मैं तेरे साथ हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो तेरे हट पर, जाएंगे तो तेरी चाह पर। आज तूने पूरे विजयनगर को अपना बना लिया है, यही तेरी असली विजय है। और मेरी दृष्टि में तू सदैव विजय रहेगा।